तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमाचल तक पर। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन जारी हुई हैं जिन्हें मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, और आपने पिछली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से एक और जानकारी आपको दे दूं कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के साथ 700 अन्य पद भी भरे जाएंगे, तो उनकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जल्द ही बजट पारित होने वाला है, और जैसे ही बजट पारित हो जाता है तो हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती जल्द ही देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो अन्य 100 पद भरे जा रहे हैं उनकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। मंत्रिमंडल ने पुलिस कांस्टेबल के अलावा करीब 100 पद अन्य भरने की मंजूरी दे दी है, जिसमें लीडिंग फायरमैन के 32 पद, कांगड़ा के संसारपुर, टेरेस, किन्नौर के भावानगर, सांगरा और कुल्लू के पतलीकूहल में नई खुली अग्निशमक चौकी के ड्राइवर एवं पंप ऑपरेटर के 11 पद भरने की मंजूरी दी। साथ ही राज्य के 22 अधीनस्थ न्यायालयों में निर्धारित आधार पर प्रतिलिपि कॉपीराइट के 22 पद सृजित किए जाएंगे। राज्य खाद्य आयोग की कार्यप्रणाली के सुचारू रूप से चलाने के लिए 9 पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसी के साथ कांगड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 पद सृजित किए जाएंगे। IGMC शिमला में सुपर स्पेशलिटी सर्जिकल ओंकोलॉजी सेल में सहायक प्रोफेसर का 1 पद सृजित किया जाएगा। तो आगे बात आती है हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में 15 नंबर आपको कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती में 15 अंक आपको कैसे मिलेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले 15 नंबर आपको दिए जाएंगे लंबाई के। अगर दोस्तों आपकी लंबाई 6, 6.5 या 7 फुट है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो दूसरी बात करें आपको अगले अंक कैसे मिलेंगे, अगर आपके पास बैकवर्ड पंचायत का सर्टिफिकेट है तो आपको वही अंक मिल जाएंगे, 1 या 2 अंक आपको बैकवर्ड पंचायत के मिलेंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इस बार जो चेंजिंग की गई है वो है आपके प्लस टू के जो नंबर हैं वो 0.25% जो है 0.25, आपके जितने भी प्लस टू में नंबर होंगे आपको 0.25 से मल्टीप्लाई करके जो आपके नंबर बनेंगे वो हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में आपको 15 नंबर के तौर पर दिए जाएंगे, जिनमें 1, 2 या 3 जो नंबर बनेंगे वो आपको दिए जाएंगे। आगे के आपको नंबर मिलेंगे, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट है तो आपको नंबर दिए जाएंगे। इसी के साथ NSS में अगर आपने स्टेट या नेशनल लेवल तक किया है तो NSS के भी आपको 1 या 2 नंबर दिए जाएंगे। इसी के साथ अगर आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो आपको भी 1 या 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखें, आपको कुछ टिप्स मिलेंगी हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती को क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी जानकारी आपको दे देते हैं। आपके पास सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, 10+2 की मार्क लिस्ट, इसी के साथ SC ST OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यही डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, बाकी एडवर्टाइज आने पर देख लेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ जनरल टिप्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं पेपरों को लेकर, कितने नंबर आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की और उसके बाद SI भर्ती की। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100 और टोटल मार्क्स होते हैं 80, टाइम आपको दिया जाता है 90 मिनट। तो बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम की। तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 20, इंग्लिश के 20, हिंदी के आपको क्वेश्चन होते हैं 20 और 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड साइंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स, तो टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स और टाइम आपको दिया जाता है 90 मिनट्स। तो दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट नोटिस थे जो मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर दें। और दोस्तों, इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में शाम को डेली न्यूज़ अपलोड होती है मेरे चैनल पर, तो आप प्लीज़ बहुत जरूर देखा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।